एकुंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभ भंग गुरप्रसाद जा पात सच जुगात सच है भी सच्चे नानक होसी भी सच। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर द टॉपिक डबरनियर ट्रेड। सो डबरनियर ट्रेड क्या था? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले बड़ी सारी ऑप्शंस थी, उसमें से एक थी डबरनियर ट्रेड जो कि फेल हो गई। डबरनियर ट्रेड क्या था? इस डबरनियर नाम ने, जॉन वॉल्फगैंग डबरनियर ने तीन तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया। ग्रुप कुछ ऐसे बना कि जोन सा जैसे एल आई एन ए के का ग्रुप बनाया। एल आई का मास नंबर 7 होता है, आपको पता है। पोटेशियम का 39 होता है, कि इन दोनों की एवरेज 39 + 7/2 करके मेरे पास 23 है, वो सोडियम के मास के इक्वल है। सो डबरनियर ने कुछ इस तरह के ग्रुप बनाए कि तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए कि पहले का और लास्ट वाले के मास की एवरेज बीच वाले के मास के इक्वल, एटॉमिक मास के इक्वल थी। एटॉमिक मास ऑफ एक्सट्रीम्स, द एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ मीन एलिमेंट। समझ गए? सो मीन एलिमेंट सेंटर वाला एलिमेंट, और एक्सट्रीम वाले एलिमेंट्स की एवरेज सेंटर वाले एटॉमिक मास के इक्वल होती है। ये डबरनियर ट्रेड फेल हो गया बेचारा, इसलिए फेल हुआ क्योंकि उस तीन ही ट्राइड्स बना पाया। एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए, बट वो बेचारा एल आई एन ए के सी एस आर कैल्शियम स्ट्रोंटियम बेरियम क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन बस यहीं तक सीमित रह गया। उसके बाद वो ट्रेड बना ही नहीं पाया, इसलिए बेचारा फेल हो गया। सो ये एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज थे।